अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट बहनों भाइयों भारत के लिए आज एक बहुत बड़ा मौका पेरिस ओलंपिक में था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी महान रेसलर विनेश फोगाट इस पूरे गेम से बाहर हो गई ये बताया गया इंडियन ओलंपिक संघ की तरफ से कि उनका वज़न अपनी कैटेगरी में 100 ग्राम ज़्यादा था इस कारण वो फाइनल के लिए डिसक्वालीफाइड हो गई पूरे देश भर में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को देखने को मिल रही है कोई साजिश बता रहा है कोई चूक बता रहा है कोई इसको दुर्भाग्यपूर्ण घटना कह रहा है लेकिन आज जैसे ही अपराह्न ये खबर आई है पूरे देश भर में एक तरीके का शोक चल रहा है लोग दुखी हैं निराश हैं मायूस हैं क्योंकि जिस तरह का कल का परफॉर्मेंस रहा है विनेश फोगाट का ये माना जा रहा था कि अब गोल्ड भारत को आने वाला है इस पूरे मामले पर समग्र चर्चा आज इस डिबेट में करेंगे बहनों भाइयों जो कुछ भी पेरिस में कल हुआ आज रात में और आज दिन भर वो अपने आप में बहुत ही सनसनीखेज और भारत के खेल जगत के की अब तक की सबसे बड़ी घटना के तौर पर इसे गिना जा सकता है बहनों भाइयों भारत की सर्वकालिक और महान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो विनेश फोगाट ने अचीव किया है वो उन्हें सर्वकालिक महान रेसलर की उपाधि देता है और मैं इसकी शुरुआत करता हूं इस शब्द की विनेश फोगाट ने सात घंटे के भीतर सात घंटे के भीतर कल प्री क्वार्टर फाइनल क्वार्टर फाइनल और सेमी फाइनल तीन बड़े पहलवानों को पटक कर ये फाइनल में अपनी जगह बनाई थी बहन भाइयों एक या दो मुकाबला नहीं विनेश फोगाट ने कल तीन तीन बड़े मुकाबले जीते थे और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जिस पहलवान को हराया था वो आज तक जापान की पहलवान को दुनिया का कोई पहलवान हरा ही नहीं पाया था 82 मैचों में जापान की इस पहलवान अविजय रही या विजेता रही है और उसे कोई हरा ही नहीं पाया लेकिन हमारी विनेश फोगाट ने उसको क्वार्टर फाइनल में पटक दिया इसीलिए मैं कहता हूं कि सर्वकालिक महान रेसलर के तौर पर विनेश फोगाट को गिना जाना चाहिए बहन भाइयों जो कुछ भी विनेश फोगाट के साथ हुआ ये कोई साजिश है चूक है अनहोनी है जो कुछ भी है ये सामने जरूर आना चाहिए क्योंकि बस अब हम गोल्ड से कुछ ही कदम दूर थे और माना जा रहा था कि जिस तरह की आक्रामक कुश्ती इस वक्त विनेश फोगाट कर रही थी जिसका कल मुजाहिरा पूरे देश ने देखा कि क्यूबा की पहलवान को पाँच जीरो से पटक कर विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया शायद कल अगर फाइनल होता तो चौथे मुकाबले में भी विनेश फोगाट को कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती थी जिस तरह का जुनून आक्रामक तरीका कुश्ती लड़ने का और जिस जज्बे के साथ जिस जोश के साथ विनेश फोगाट लगी हुई थी बहनों भाइयों उनकी तस्वीरों को देख लग रहा था कि बस अब कुछ क्षण ही बाकी हैं पूरे देश में आज उत्सव और उल्लास का माहौल था लेकिन जैसे ही उनके डिसक्वालिफिकेशन की खबर आई पूरे देश भर में शोक छा गया आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठाकर देखें टेलीविजन न्यूज चैनल्स सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही कि आखिर ये 100 ग्राम वज़न बढ़ना कोई चूक थी या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुई है विनेश फोगाट आखिर हुआ क्या है बहनों भाइयों कल जब तीसरा मैच विनेश फोगाट ने भारतीय समय अनुसार रात में दस बजकर तीस मिनट पर जो शुरू हुआ था उस वक्त जब उनका वजन नापा गया था तो वो पचास किलो से भी कम था लेकिन रात में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनका वज़न बढ़कर बावन किलो सात सौ ग्राम हो गया यानी उनका वजन तकरीबन दो किलो सात सौ ग्राम रात भर में बढ़ गया वाट हैपेंड मेरा यही प्रश्न है कि सेमीफाइनल जीतने के बाद रात दस बजकर तीस मिनट जो भारतीय समय है दस चालीस तक ये प्रो चला था उनकी कुश्ती और दस मिनट के भीतर जब यह खत्म हुई है तो रात दस चालीस भारतीय समय से लेकर सुबह तक ऐसा क्या हुआ कि उनका वज़न दो किलो सात सौ ग्राम बढ़ा ये देखने की जिम्मेदारी किसकी थी कोच की थी सपोर्ट स्टाफ की थी उनके साथ चल रहे डाइटिशियन की थी ओलंपिक एसोसिएशन से लंबी चौड़ी ढाई सौ लोगों की टीम क्या करने वहाँ गई थी ये पदाधिकारी वहाँ क्या करने गए थे आखिर इस बात को इंश्योर क्यों नहीं किया गया कि अगर किसी का वज़न दो किलो सात सौ ग्राम रात में कुछ घंटे से बढ़ा है तो यूं ही नहीं बढ़ेगा कोई तो बात रही होगी इसमें यह भी हो सकता है कि डाइट गलत हुई हो या हो सकता है स्ट्रेस की वजह से उनका बढ़ा हो फाइनल मुकाबला है और एक नहीं तीन तीन मैच विनेश फोगाट ने खेले थे यह कोई सामान्य स्ट्रेस की बात नहीं थी एक असामान्य असाधारण स्ट्रेस रहा होगा हम सब उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं लेकिन यह मिस्ट्री है कि रात में उनका वजन दो किलो सात सौ ग्राम कैसे बढ़ा रात भर प्रयास चले जैसा कि पता चल रहा है किसी तरह दो किलो छह सौ ग्राम करने में कामयाब कम हुई लेकिन सौ ग्राम अधिक था और अचानक से संदेश आता है इंडियन ओलंपिक संघ की तरफ से कि वो डिस्कवालीफाइड हुई है हमें बड़ा खेद है पूरे देश भर में बहनों भाइयों शोक फैल गया है अब इसकी दो थ्योरी चल रही हैं पहली थ्योरी यह है कि वजन पर नियंत्रण न कर पाने की वजह से ओवरवेट होने की वजह से ऐसा हुआ बहन भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और आज हमारे साथ एक्सपर्ट है मैं उनसे सबूत और गवाही भी दिलाऊंगा जिस वर्ग का जो भी कुश्ती का खिलाड़ी होता है पचास किलोग्राम वर्ग तिरपन किलोग्राम वर्ग या उससे अधिक के भी सब अपने वजन से 1.4, 1.5 केजी कम वेट रखते हैं ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस का पालन विनेश फोगाट भी कर रही थी देन फाइनल में जाने के पहले अचानक क्या हो गया यही एक मिस्ट्री है ये विनेश फोगाट की भूल भी हो सकती है उनके कोच की भूल भी हो सकती है कोई चूक भी हो सकती है डाइट प्लान में कोई परिवर्तन भी हो सकता है एनीथिंग स्ट्रेस भी हो सकता है जिस एनवायरनमेंट में है उसमें भी कुछ हो सकता है बट ये मिस्ट्री है कि सात घंटे में तीन मैच जीतने वाली इस महान रेसलर का वजन रात में दो किलो सात सौ ग्राम कैसे बढ़ा यही एक सवाल है जिसका जवाब या तो विनेश फोगाट देंगी या इंडियन ओलंपिक संघ दें या उनके साथ चल रहे डाइटियंस डाइटिशियंस उनके कोच और उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं या जो भी सपोर्ट स्टाफ रहा है ये ज़रूर पता चलना चाहिए क्योंकि ये पूरे देश भर की मान प्रतिष्ठा की बात है आज पूरे देश भर में कहीं भी आप जाएंगे किसी से भी चर्चा करेंगे विनेश फोगाट विनेश फोगाट विनेश फोगाट सिर्फ यही बातें चल रही मैं चाहता हूं कि कुछ आ जाए स्टेटमेंट सुनने फिर एक विस्तृत चर्चा विशेषज्ञ पैनल और पॉलिटिकल पैनल के साथ हम आगे बढ़ाएंगे ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कितनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन

भारतीय ओलंपिक संघ ने आंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो नहीं हारी पर साजिश के मैट पर हार गई विनेश फोगाट को स्पोर्ट्स की राजनीति की बलि चढ़ा दिया गया एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का तो बहनों भाइयों आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे राकेश त्रिपाठी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो हैं और मेरे साथ देश के जाने माने खेल मामलों के पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा जी नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं रोहतक कुश्ती संघ के अध्यक्ष सुमित जी भी अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं और नेशनल रेसलिंग प्लेयर मनदीप जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड आप सभी का शुक्रिया थोड़ी देर में सुमित जी भी हमें ज्वाइन करेंगे रोहतक से जो रोहतक कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में समय देने के लिए राकेश त्रिपाठी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी और आप लोग क्या मानते हैं ये कोई साजिश है या कोई चूक है या फिर ये एक सामान्य घटना है या फिर हम इसे ठीक कर सकते थे इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं